अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी को निखारते हो। तो दोस्तों अभी के टाइम पे इस तरह के वीडियोज इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तरीके बताने वाला हूं उसके थ्रू आप 100 से भी ज्यादा AI वीडियोज फ्री में बना सकते हैं। मतलब कि उसके लिए आपको एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके साथ साथ वीडियो बनाने के बाद आपको एडिट कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आज की ये वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विश्वास कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस तरह के वीडियोज बहुत कम टाइम में बना पाएंगे। तो यहां पे देखिए साइड में आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कंटेंट कहां से लेना है। तो सिंपली आप गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी कंटेंट ले सकते हैं। जैसे कि देखिए गूगल पे जाना है और यहां पे मैंने मोटिवेशनल कोट्स का यूज किया था वीडियो में। तो यहां पे मैंने सर्च किया मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। यहां पे बहुत सारे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां से किसी भी एक वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। अब देखिए इसी वेबसाइट से मैंने ये जो मोटिवेशनल कोट्स था उसको लिया था। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ भी है, अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी को निखारते हो, और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। ये ऐसे ही हो जाता है जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को मुस्कुराहट दे देता है। तो यहां से सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, और इसको आप कहीं एक जगह नोट करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हम नोट पैड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं तो नोट पैड का यूज करता हूं। यहां पे देखिए मैंने इसको लिख कर रखा हुआ है, ठीक। हमेशा कंटेंट मुझे कहीं ना कहीं से मिलते रहता है तो मैं यहीं पे नोट करके रखता हूँ। देखिए बहुत सारा है, मेरे दूसरे जो फ़ोन है उसमें भी मैंने नोटपैड रखा हुआ है। तो सिंपली जब मुझे वीडियो बनाना रहता है तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ये देखिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम फिर से आएंगे गूगल पे, और गूगल पे आपको क्या करना है, सर्च करना है 11 Labs, ठीक। यहां से हम इस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करने वाले हैं। सिंपली आप इसको ओपन करेंगे, यहां पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहां पे आप एक और चीज देखिए, वर्ड लिमिट जो है ये 333 है, ठीक। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पे इसको पेस्ट कर देंगे, 200 लेटर का हुआ है ये, सिंपली आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर हैं तो आप कैरेक्टर भी चूज कर सकते हैं। तो हम यही चूज करते हैं, दूसरा नहीं लेंगे। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली हमारा हिंदी सेलेक्टेड है पहले से। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद जस्ट ये पहले आपको रिव्यू भी देगा। सोच की निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी को निखारते हो, और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। ये ऐसे ही हो सकता है जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को मुस्कुराहट दे देता है। तो सिंपली यहां देखिए एकदम जो है ये अलग अलग हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर आप अपनी सोच की हो गया है तो इसको हम को कर देते हैं, सोच को, ठीक, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उसके बाद हम फिर से रीजनरेट कर लेते हैं इसको, ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसको। अगर हम अपनी सोच की निखारते हो, ये देखिए फिर से रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट हो रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे, सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी को, देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये रीजनरेट करेगा। तो जस्ट हम फिर से इसको प्ले करके सुनते हैं। अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी को निखारते हो, और तो सिंपली अब सही हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ये डाउनलोड हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर खोजने वाले हैं। तो उसके लिए आपको लेक्सिका AI पे जाना है, ठीक, यहाँ पे सबसे टॉप में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंडियन ओल्ड मैन। आपको जैसा चाहिए, इंडियन यंग मैन चाहिए, इंडियन वुमेन चाहिए, मतलब जैसा आपको कैरेक्टर चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए बहुत सारे यहाँ से इमेजेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दूसरा हम सर्च करते हैं इंडियन यंग मैन। ये देखिए जस्ट अभी आएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ गए। तो यहाँ से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए साइड में डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और सारे अल्टरनेटिव्स में मिल जाएंगे, इसमें से किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप डिसाइड कर लीजिएगा, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। आप इस पर क्लिक करके रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा कैरेक्टर भी डाउनलोड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे DID AI।
सर्च करने के बाद सबसे टॉप में ही आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, ये ओपन होगा। यहाँ पे जस्ट कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, ट्राई फॉर फ्री यहाँ पे देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जस्ट मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप कैसे इसी DIDAI का यूज करके बहुत ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं। जस्ट मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो गेस्ट आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए, जस्ट यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे देखिए नीचे है लॉगिन या साइन अप, तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे हम अपने गूगल से ही साइन अप कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, साइन अप कर लेना है सिंपली आपको। तो सिंपली यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया है, देखिए यहाँ पे मेरा स्पोर्ट्स वाला साइन अप हो गया है। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस पहले से भी क्रिएट किया हुआ है इसी AI का यूज़ करके। आज हम फिर से नया क्रिएट करने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए क्रिएट वीडियो, यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करके आपको कैरेक्टर को ऐड करना है। तो यहाँ से हम, मैंने बहुत सारा डाउनलोड किया हुआ है, तो इस वाले कैरेक्टर को हम लोग ऐड करने वाले हैं। सिंपली इसको सेलेक्ट करके डन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐड होना स्टार्ट हो गया। अब ये जब तक ऐड हो रहा है तब तक आपको इधर से ऑडियो को ऐड करना है। ये देखिए, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपली आप अपने स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से भी वॉइस ओवर कर देगा, बट ज़्यादा सही रहता है इसमें ऑडियो को ऐड करना, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिमिट है, ठीक। और ऑडियो में आप 2 मिनट का 3 मिनट का आराम से ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, साइड वाले पे क्लिक करते हैं, ये जो है साइड वाला जो ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपलोड योर वॉइस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे, दिस वीक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा ऑडियो है तो इसमें से हम इस पर क्लिक करते हैं। पहले हम इसको सुन लेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड करके देखेंगे। तो जस्ट पहले सुनते हैं। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक आना चाहिए, और इसके लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाने के हर एक अवसर को उपयोग करना चाहिए। तो जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑडियो जो है वो ऐड हो गया है। अब हम लोग जनरेट वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे टॉप में आपको जनरेट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका वीडियो जो है इस पे क्लिक करने के बाद जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट हमारा वीडियो जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, एंड उसको एडिट कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो जनरेट हो चुका है, जस्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये गोल गोल घूम रहा है। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक आना चाहिए, और इसके लिए तो सिंपली आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, जस्ट यहाँ पे देखिए इस डाउनलोड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अभी नहीं हुआ है, फिर से हम क्लिक करते हैं, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देते हैं, ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से आपका वीडियो डाउनलोड हो गया, जितना मन चाहे उतना वीडियो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने एक जीमेल से इसमें लॉगिन करेंगे तो एक जीमेल से आपको 20 क्रेडिट मिलता है, तो आप मल्टीपल जीमेल का यूज कर सकते हैं, ठीक, या आपके दोस्त का, आपके भाई का जीमेल का यूज करके भी आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक। मेरे पास तो ऑलरेडी 10 जीमेल है। अब सिंपली आप सोच सकते हैं 10 जीमेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, 1 से 20 क्रेडिट, मतलब 20 वीडियो मैं बना सकता हूं, ठीक, तो 10 से 200 वीडियो मैं बना सकता हूं। तो इस तरीके से आप अलग अलग जीमेल से लॉगिन करके वीडियो बना सकते हैं। अब इसको एडिट कैसे करना है तो वो देख लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग काइनमास्टर ऐप का यूज करने वाले हैं। सिंपली आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको नीचे क्रिएट का बटन दिख जाएगा, इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पैन एंड जूम का, इस पर क्लिक करना है। इसको जूम करके पूरे फ्रेम में पहले फिट कर लेना है। उसके बाद इक्वल के साइन पे क्लिक करना है, बैक पे क्लिक करना है, फिर से बैक पे क्लिक करना है। इसको हम इधर साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करने वाले हैं, मतलब कि जो कुछ भी बोल रहा है उसको हम लिखने वाले हैं। इसको आप मैन्युअली मतलब खुद से टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐप हैं जिनका यूज करके आप ऑटो कैप्शन भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक। बट उसमें थोड़ा सा उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं ऐप, इसलिए यहाँ पे मैन्युअली आप टाइप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो वो मैं आपको टाइप करके भी दिखाऊंगा। बट उससे पहले देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो कोई वीडियो क्लिप, कोई इमेजेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई क्लिप ऐड करना है, तो सिंपली लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं और इधर से मैं कोई इमेज ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं कोई भी एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड करने के बाद जस्ट मैं प्ले करता हूँ। दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नज़दीक, देखिए जस्ट को अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक आना चाहिए, तो जस्ट हम थोड़ा सा और आना चाहिए, कैंची पे क्लिक करके राइट कट कर देंगे। अब ये जो हमारा इमेज है, इसमें हम थोड़ा सा मोशन लाने वाले हैं। तो मोशन लाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आप की देख रहे हैं, इस की पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे आना है, इसको लॉक कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग में आना है और इसको कुछ इस तरह से जूम करते हुए रोटेट करना है, ठीक। अब आप फिर से बैक करेंगे, फिर से बैक कर दीजिए। अब प्ले करके देखिए, यही जो है इसमें थोड़ा सा इफेक्टिव आपको दिखेगा। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक आना चाहिए और इसके लिए आपको अपने आप को, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें टेक्स्ट इफेक्ट कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए एक बार हम इसको प्ले करेंगे। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने, तो जस्ट हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको, तो जस्ट लेयर पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको, जस्ट हमने लिखा, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ओके करते हैं और यहाँ पे नीचे लाकर हम इसको ऐसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप कलर भी चूज कर सकते हैं, तो जस्ट मैं ये वाला इसमें से कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ, जस्ट यही कलर हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल करना है, बैक कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में क्लिक करना है, नीचे जाना है और यहाँ से कोई भी एक इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं, तो जस्ट हम यही वाला इफेक्ट यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है, आगे कर देना है, ठीक, जस्ट इस तरीके से। अब प्ले कीजिए। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने, अब आपको क्या करना है, इसको खींच कर पूरे वीडियो में पहले फिट कर लेना है, मतलब जितना लॉन्ग आपका वीडियो है उतना लंबा इसको खींच लेना है। अब देखिए इसको एडिट कैसे करना है। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने, प्रत्येक दिन आपको, आपको जैसे ही बोला उसके बाद आपको कैंची पे क्लिक करना है, स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद इसके बाद जो कुछ भी बोल रहा है उसको आपको एडिट करना है। फिर से देखिए, मैं प्ले करता हूँ। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा, अपने लक्ष्य के थोड़ा नज़दीक आना चाहिए, तो जस्ट हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ये नो करते हैं, अभी लेटर कर देते हैं। यहाँ पे फिर से हम इसको चेंज कर देंगे, अपने आपको अपने लक्ष्य के, अपने लक्ष्य के थोड़ा नज़दीक आना चाहिए, तो जस्ट हमने लिखा। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा एडिट कर देंगे, यहाँ से कट करते हैं, ओके करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसको हम प्ले करते हैं। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक आना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से, जैसे ही अब इसके बाद बोलेगा नजदीक आना चाहिए, फिर आपको
रोकना है, कैंची पे क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। ठीक, इसके आगे आप चाहें तो कोई वीडियो क्लिप, इमेजेस इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है, बार बार आपको इसी तरह से स्प्लिट करना है, एडिट पे क्लिक करके इसको चेंज करते जाना है। तो आई होप आप समझ गए कि इसको कैसे एडिट करना है। जब ये आपका वीडियो एडिट हो जाए तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले अगर आप चाहें तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑडियो पे क्लिक करना है, सॉन्ग्स पे क्लिक करना है। इधर आपको सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप YouTube पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर मोटिवेशनल वीडियोस, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वीडियो को एडिट कैसे करना है। यहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब इसको आप जहां कहीं भी चाहें अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी स्टेप आपको बताया सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।